दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग यादव। आई एम सुलेखा फ्रॉम इंदौर। आज मैं आप लोगों के लिए बिना बघार लगाए बैंगन का और कच्ची कैरी का चोखा लेके आई हूँ, एकदम यम्मी यम्मी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिया है। मैंने लिया है ये बड़ा वाला बैंगन, जिसका हम भरता बनाते हैं वो बड़े बैंगन का ही बनाते हैं। तो मैंने दो बैंगन ले लिए हैं और ले लिए मैंने दो कच्ची कैरी। तो ये थोड़ा सा ऑयल में ले लूँगी और पूरे बैंगन के ऊपर ऑयल को अच्छे से लपेट दूँगी, जैसे मैं लपेट रही हूँ। और इस चोखे को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन मानिए बहुत 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 टेस्ट लगेगा। और मैं बैंगन को कट करके देख रही हूँ कहीं इसमें कीड़े महाराज तो नहीं बैठे हैं, वरना वेज होते हुए भी हमको इसमें नॉनवेज के साथ खाने में मिल जाएगा इसलिए। तो देखिए, मैंने कट कर लिया है और इसमें एक भी मुझे कीड़ा नहीं दिख रहा है। मैंने दूसरा बैंगन भी कट कर लिया है। तो आप इस तरीके से कट कर लें, वरना कीड़ा दिखेगा तो साथ में कीड़ा भी हम लोग खा जाएंगे। तो गैस पर मैं रख रही हूँ बैंगन को, लेकिन बैंगन इस तरीके से सेट अच्छे से नहीं हो रहा था, क्योंकि गैस नीचे से जल वो जो छोटा वाला होल है वो बुझने लगा था। तो अब मैं इसको इस तरीके की इसमें जाली रख दूंगी। तो आप भी जैसा आपको समझ पड़े आप वैसा रख लेना, और आप चाहें तो इसको तंदूर में भी सेक सकते हैं, माइक्रोवेव में ग्रिल भी कर सकते हैं, बट मैं गैस पे ही कर रही हूँ। ग्रिल में दूसरा वाला बैंगन कर लिए हूँ। तो ये देखिए, बैंगन हमारे बहुत अच्छे से भून गए हैं और कच्ची कैरी भी भून गई है। तो इनके छिलके को बहुत अच्छे से हटा लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने ठंडा पानी डाल दिया है इनके ऊपर, तो अच्छे से छिलका रिमूव हो जाता है, देखिए इस तरीके से। और आप इस बैंगन के चोखे को भरते को बनाएंगे ना, अभी गर्मी के मौसम में बहुत ही यम्मी होता है। और आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, वरना मिक्सी में पीसने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा। आप हाथों से कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। और इसको अब में बिल्कुल भी चौका छाकी का कोई काम नहीं है, सिर्फ हमने इसको रोस्ट करना है। और जैसे मैं बना रही हूँ आप ध्यान से देखिए, और मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। मैंने एक छोटा कप पानी ले लिया है, और आप चाहें तो जैसा और पतला रखना चाहते तो और पानी डाल लें। तो मैंने इतना बड़ा कप ले लिया है, इतना मैंने पानी डाल दिया है। तो बस अब इसमें मैं डाल दूंगी छोटा छोटा कटा हुआ टमाटो, ऑनियन और हरी मिर्ची, सारी चीज़ें कच्ची रहेंगी। और आप इस तरीके से बनाइए बैंगन का भट्टा एंड चोखा, तो खाने में आने वाले बहुत ज़्यादा मज़े। और मैंने डाल दिए हरा धनिया ढेर सारा, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, और मैंने सबको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है। और बस, और इसके अलावा हमको कुछ नहीं डालना है। बैंगन है, कच्ची कैरी है, उसका भरता आप बनाइए, खाइए। आ रहा है ना मुँह में पानी, यकीन मानिए मुंह में पानी तो आएगा ही। जब मैं बना रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, इसको बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। और उसके बाद इसको फटाफट से गरम रोटी, पराठा और लिट्टी और बाटी, जिसके साथ भी आप खाना चाहते हैं खाइए और मस्त एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय।